हेलो भाई, सुबह सुबह काम पे जा रहे हैं। काफ़ी देर बाद मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। कुछ बिजी था, कुछ चक्करों में कुछ चीज़ें, अब जाके हम दोबारा स्टार्ट करें। सो लेट्स सी अब मिलते हैं आज ऑफिस के अंदर। कोई टॉपिक था नहीं ऐसे मेरे आज टॉपिक से नहीं आया था इसलिए कुछ कोई फेस्टा बोल रहा हूँ क्योंकि लोग बैठे हुए हैं, उनको नहीं मैं दिखाना चाहता कि मैं यूट्यूब ही कर रहा हूँ। बाकी देखो कोई टॉपिक पर ऑफिस की चाय बना के लाए हैं यार। थोड़ा सा एको है क्योंकि हॉल हुआ है सब कुछ, तो ज़्यादा बात नहीं कर सकते। और वैसे भी ऑफिस के अंदर हम ब्लॉग नहीं कर सकते, लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर करना स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल की एक्टिविटी है, बाद में चाय के बाद देखते हैं। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी अपडेट है, एक छोटा सा बच्चा है, उसको ब्लड कैंसर है। तो जैसे मुझे पता चला तो मैं ब्लड डोनेट करने जा रहा हूँ वहाँ पे। आप सब दुआ कीजिएगा कि वो अल्लाह ताला उसको सेहत याब करे। अभी वो रास्ते में ही मिल जा रहे हैं तो उसे डोनेट करते हैं, और दुआ यही है कि अल्लाह ताला उसको सेहत याब करे, वो ठीक हो जाए। छोटा सा बच्चा है तो आप सब दुआ कीजिएगा, सबसे अपील है। तो वहाँ जाके आपको मिलते हैं। तो हॉस्पिटल में पहुँच चुके हैं, ठीक है। थोड़ी देर में जाएंगे अंदर वार्ड के अंदर, वहाँ पर ब्लड डोनेट करेंगे। तो आप लोग दुआ कीजिएगा कि वो जल्दी ठीक हो जाए, इसके यहाँ पर ब्लड डोनेट करने आए हैं। तो बस यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो आपको फिर बाद में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ ब्लड कैंसर है। तो आप सबसे अपील करते हैं, अगर आप ब्लड डोनेट करना चाहें, वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, तो अगर आप डोनेट करना चाहते हैं, क्या करना चाहती हैं, तो आपको कॉन्टेक्ट नंबर आपको सेंड कर देंगे, शेयर कर देंगे। तो आप सोसाइटी की हेल्प करें। बच्ची इनिशियल स्टेज पर, तो दुआ भी कीजिए कुछ जल्दी भी मुझे, लेकिन इनिशियल स्टेज पर कवरअप हो जाए ज़्यादा बेटर है, फ्यूचर में ज़्यादा इशू नहीं होगा। तो बस यही आपसे हेल्प है। और अभी तो ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाई भी हैं बड़े, तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, सारी जल्द आप करेंगे आप। शुक्रिया। वो टाइट नहीं करेगा यहाँ से पाइप वगैरह लगा के, इस तरह निकल आएगी। पर नहीं, वैसे ही बना रहा हूँ सिर्फ। तो छोटी सी अपडेट है कि इस सैंपल दे चुका हूँ, और अभी सैंपल का वेट हो रहा है। एक घंटे का टाइम उन्होंने दिया है, तो एक घंटे के बाद वापस जाएंगे वार्ड के अंदर, और वहाँ जाके अभी क्योंकि क्रॉस मैचिंग चल रही है, जैसे ही वो कंप्लीट होगी फिर जाके हम ब्लड डोनेट करेंगे। तो फिंगर्स क्रॉस, होपफुली मुझे पता है क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ब्लड प्योर है। मैं ना स्मोकिंग करता हूँ, ना मैं कोई स्पारी वगैरह रखता हूँ। मेरी हेल्थ, डाइट भी अच्छी है, हेल्थ भी अच्छी है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई बीमारी भी इस टाइम नहीं है। तो मेरी मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा ब्लड जो है वो सही मतलब मैच कर जाएगा। उसकी वजह यही है कि क्योंकि छोटी बच्ची का मामला है, तो मैं नहीं चाहता कि कितने टाइम के बाद भी रिजेक्शन हो। तो बस ये है कि बस आप लोग भी ज़रा दुआ कीजिएगा कि उस बच्ची का, क्योंकि 3-3.5 साल की वो छोटी सी बच्ची है, उसको ब्लड कैंसर हो गया। और ये इस वक्त क्योंकि मुझे सुनने में आ रहा है कि हवा में बच्चों के लिए ब्लड कैंसर फैला हुआ है, क्योंकि बच्चे जंक फूड वगैरह खा रहे हैं, उनसे ये ज़रा इशू हो रहा है जो सुनने में आया। वाला मुझे पता नहीं सच है कि नहीं, लेकिन ये सुनने में आया है। तो अगर तो आपके भी छोटे बच्चे हैं, कुछ भी हैं, तो ये जंक फूड से इनको फिलहाल परहेज पर ले गए, क्योंकि बच्चा जब छोटा तो उसको न्यूट्रिशन की बड़ी सख्त ज़रूरत होती है। अगर तो वो न्यूट्रिशन का इशू हो जाए, तो अल्लाह ना करे कि किसी के साथ भी ऐसा हो। अभी ये वेट है, जैसे ही वेट ख़त्म होगा वहाँ जाएंगे ब्लड देने, तो उसके बाद जो है होपफुली कुछ बेहतरी आएगी। तो अभी कुछ थोड़ा सा टाइम रह गया, तो जैसे ही ये नंबर आ जाएगा, कॉल आ जाएगी, तो जाके डोनेशन दे देंगे। बस अल्लाह ताला से दुआ है उस बच्ची की तबीयत ठीक हो जाए, वो हेल्दी हो जाए, और वो उसको जो कैंसर है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि अर्ली स्टेज का कैंसर है। तो दुआ ये कि ख़त्म हो जाए। तो आप सभी दुआ कीजिएगा, और अगर हो सके तो कमेंट सेक्शन में, अगर आप लाहौर से हैं इस टाइम, और आप ब्लड डोनेट करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा।
और हम उसको, आप अगर डोनेट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो बाद में थोड़ी देर तक मिलते हैं, क्योंकि अभी शेक वगैरह पी रहे हैं। क्योंकि अगर आप ब्लड डोनेट कर रहे होते हैं तो अगर आप, क्योंकि अगर आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो आप अगर उससे पहले कुछ खा लें तो आपका शुगर लेवल जो है वो लेवल पे, आप उससे पहले कुछ खा रहे हैं तो शुगर लेवल जो है वो ठीक रहता है, जिससे आपको डिजीनेस वगैरह फील नहीं होती जब ब्लड देते हैं। तो देखते हैं, वेट करें उसके।1 सितंबर 2023 पेट्रोल की कीमत में 2200 रुपये इजाफा, 313 रुपये का लगा हो गया, वो लगा हुआ है वो सामने 313 रुपये 8 पैसे, यानी कि 314 रुपये का। हाँ देख रहे, 313 का ही दे रहे हैं। नहीं नहीं, वो हाई ऑक्टेन। अच्छा अच्छा, हाई ऑक्टेन है, वो भी चेंज करेंगे। अभी 291 का ही है, हो जाएगा अभी ये भी। पेट्रोल का रेट कितना बढ़ रहा है सर, पता नहीं देते हैं। अरे सर आ रहा है यार, देखते हैं यार, पता कितना नहीं पता, सामने पता नहीं पता होगा इनको, बेचारों को क्या। वाकई वो हाई ऑक्टेन का ही था, हाई सुपर का 291 है अभी।